Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study Channel को. हेलो एवरीवन, मैं हूं सुष्मिता त्रिपाठी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडियाज नंबर वन स्टडी चैनल पार्ट ऑफ वन एकेडमी नाउ. 12 बज चुके हैं, क्लास का वक्त हो चुका है और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि वाईफाई स्टडी जो है वो प्लस कोर्सेज अवेलेबल करा रही है. जो भी इंटरेस्टेड है आप लोगों में से वो चाहे तो उसे परचेज कर सकता है. एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही प्यारी इन्वेस्टमेंट है. इसमें फ़ायदा क्या होगा ना, जब आप लोग क्लास लोगे एक दो बार खुद ही आपको लगेगा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने लग जाती है. ठीक है, बिसाइड हम लोग यूट्यूब पे भी बराबर डेडिकेटेड क्लास आपको देते हैं और वहाँ पर भी मिल रही है. ठीक है, सभी कोर्सेज की आपको मिल जाएंगी, बैंक, एसएससी, रेलवे, सारी कोर्सेज की अवेलेबल है. नीचे नंबर शो किया जाता होगा, इस नंबर पर आप लोग कॉल करके क्वेरी कर सकते हो और पूछ सकते हो. एक बार में कॉल ना लगे तो दोबारा कर सकते हो. ठीक है, चलो तो क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम लोग कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं. क्या हमारे पास कोट है? कोट देखिएगा, मोटिवेशनल कोट है कि अगर आप रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़ना चाहते हो तो एक ही उपाय है, अपने कदम पीछे मत देखो. बिल्कुल सही बात है. अगर चाहते हो आगे बढ़ना, अगर चाहते हो नई चीज़ें सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना, तो पीछे मुड़कर गलतियों को मत दोहराओ. गलती हो गई उसको देखो, उससे सीख लो, आगे बढ़ो, तभी यही एक सबसे अच्छा रहस्य है जो सफलता का है. लोग कहते हैं ना सफलता का शॉर्टकट दो, कोई शॉर्टकट नहीं होता है. गलती से सीख कर आगे बढ़ते रहना, कभी ना थकना, कभी ना रुकना, कभी ना मायूस होना, यही सबसे बड़ी हमारे पास शॉर्टकट है. आई बात समझ में? चलो आज हम लोग देखते हैं फिर अगला अपना कमेंट ऑफ द डे. सबसे पहले निहारिका सैनी जी, जिन्होंने लिखा है कमजोर जब रुकते हैं तब वो थक जाते हैं और विजेता जब रुकते हैं तब वह जीत जाते हैं. अगला कमेंट है हमारे पास मंजीत गरवा जी का, जिन्होंने लिखा है अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं मुस्कुराना सीखो, अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं उठना सीखो, अगर पहुंचना हो शिखर पर तो राह पर चलता नहीं राह का निर्माण करना सीखो. सही बात है, जहाँ भी जा रहे हो उसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखो. जो मैं कहती हूँ सकारात्मक सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा रहो और अच्छा सोचो, यही एक की है आगे बढ़ते रहने की. ठीक है, चलो आज हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है संविधान की अनुसूची, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. शेड्यूल की क्या ज़रूरत थी? बोला जाता है भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है. बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ा संविधान है हमारा. इसमें अनुसूचियों को ऐड कर दिया गया. अनुसूची को ऐड करने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो रीजन क्या था कि एक इंडेक्स का काम करती है. बता दिया जाता है कौन सी चीज कहां पर मौजूद है, वहां पर उसके बारे में उसका उल्लेख किया गया हुआ है. कुल हमारे भारत में अनुसूची 8 थे पहले, जिसके बाद 4 और जोड़ दिए गए. जैसा आपको पता है 26 नवंबर को जो है हमारा क्या किया, 26 नवंबर को जो है हम लोगों ने क्या किया था, अडॉप्ट किया था. ठीक है, शुरू शुरू में 8 अनुसूची थी हमारे वहाँ पर. ओके, एक साल के बाद जो है एक और अनुसूची ऐड कर दी गई, 9 हो गया.
और लगभग 40 साल के बाद फिर एक और अनुसूची ऐड की गई, 10 हुआ, और फिर 41-42 साल में दो और कर दी गई, 11 और 12। तो कुल हमारे वहां पर कितनी अनुसूची हो गई? 12। अब हमारे देश में 12 अनुसूची है हमारे संविधान की। संविधान दो तरीके के होते हैं जो बताया जाता है, रिटन और अनरिटन। भारतीय संविधान सबसे बड़ा है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको आपको याद रखना है। सभी लोग आंसर करना कि हमारे वहां पे टोटल कितने आर्टिकल्स हैं। जितने भी लोग देख रहे हो आंसर करते चलना। अगला देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की अनुसूची में कुल 12 अनुसूचियां जो इस प्रकार हैं। किस अनुसूची में क्या लिखा है, किसका उल्लेख है, किसी चीज के बारे में बताना है तो क्या होता है? हम गए, हमने कहा कि ये वाली किताब कहाँ रखी हुई है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो पहली हो गया, इस तरह की सारी किताबें इस वाले रैक पे लिखी हैं, इस वाली ऐसी सारी किताबें इस वाली रैक पर रखी हैं। जब हमें पहले से ही पता होता है तो उसके बारे में जानना, उसके बारे में समझना, उसके बारे में पढ़ना आसान हो जाता है, जो किया गया था भारतीय संविधान में भी। पहली अनुसूची किसका उल्लेख करती है? पहली अनुसूची की हम बात करें तो इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। तो देखो, पहली जो अनुसूची है उसमें बेसिकली क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है हमारे वहां के राज्य और हमारे वहां के यूनियन टेरिटरीज के बारे में। ओके, जैसा आपको पता है 29 राज्य हैं, सबसे नया जो जोड़ा गया था वो था तेलंगाना, और यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित क्षेत्र हमारे वहां पर 7 हैं। अब बदलने वाला है ढांचा, 9 होने वाले हैं, ठीक है, 28 हो जाएगा इधर, कुछ ढांचे बदल जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है केंद्र शासित प्रदेश बताया जा रहा है, कर दिया जाएगा, लेकिन अभी के सिनेरियो में तो यही चल रहा है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक, तो ये बात बताती है हमारी पहली अनुसूची। अगली चीज देखिए, इसमें एक नोट करके लिखा हुआ है कि संविधान के 62वें संशोधन के द्वारा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ये सवाल दिल्ली एग्जाम में आ चुका है, दिल्ली के और बाकी भी स्टेट लेवल में पूछ लेता है कि दिल्ली को जो है राजधानी क्षेत्र का दर्जा कौन से संशोधन में दिया गया, किसमें? 62वें, जो यहाँ लिखा हुआ है। अगला, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक तेलंगाना राज्य बनाया गया। इससे पहले राज्यों की संख्या 28 थी। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि इसके पहले जो है राज्यों की संख्या कितनी थी, तो इसके पहले जो है राज्यों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 28 हुआ करती थी। ठीक है, एक और बात, एक चीज याद रखिएगा कि 7वां जो संशोधन होता है उसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट होता है। ठीक है, जिसमें भाषा के आधार पर क्या करते हैं, राज्य का जो है बंटवारा करते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा। तो ये 7वें अमेंडमेंट में था, ठीक है, संशोधन में, और इसके बदौलत क्या किया गया था, जो राज्य थे उनको ABCD कैटेगरी में बांटा गया था। हालांकि इतना डीप में कभी पूछता नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया मैंने। हालांकि ये पढ़ा भी चुकी हूँ, 7वां संशोधन के बारे में मैंने पढ़ाया है जब संशोधन पढ़ा रही थी, इसलिए बस मैंने बता दिया क्योंकि स्टेट्स की बात चल रही थी यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला जैसा हमें दिख रहा है, द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में क्या खास बात है, इसमें भारत की राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी कौन कौन से, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक, महालेख परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाला भत्ते, वेतन और पेंशन का उल्लेख किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ लेता है कि जो सबसे हाई पोस्ट पे बैठे हुए उनकी जो सैलरी है, उनका जो अलावेंस है, उनका जो मॉल्यूमेंट है, वो कौन से शेड्यूल में बताया गया है, ये बताया गया है द्वितीय अनुसूची में। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि इनकी जो भी सैलरी होती है, जो भी हाईएस्ट पोस्ट पे है, जो भी इनका वेतन है, सैलरी है, ये आता कहां से है? ये आता है कंसोलिडेटेड फंड से। ठीक है, ये आता है कंसोलिडेटेड फंड, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संचित निधि। संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266.1 में है। 0.1 हो सकता है कई बार आपसे ना पूछे, लेकिन जब अच्छे एग्जाम्स आते हैं तो उसमें आपसे पूछ लेता है कि इनका जो है कहां पर इनके बारे में बताया गया है, इसमें बताया गया है। अब कंसोलिडेटेड फंड, ये वाली जो निधि होती है, ये बेसिकली एक ऐसा फंड होता है जिसमें सरकार जब बजट बनाती है तो जो भी इकट्ठा करती है टैक्स से या बाकी चीजों के द्वारा, वो इसमें पैसे डाल देती है और इसी से सबकी सैलरी दी जाती है। प्रेसिडेंट, कैग, CJI, CEC,
जो भी हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, जो भी हाईएस्ट पे बैठे हुए हैं, सबकी सैलरी यहीं से बनती है, संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से, जिसको आर्टिकल 266.1 में लिखा गया है। एक और चीज याद रखिएगा, कभी भी इसमें से पैसे अगर निकालने हैं तो अपने आप से नहीं, कहा जाता है ये सरकार का पैसा। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार इससे निकाल के गोलगप्पे खा रही है, इसका मतलब है सरकार इसको तब छेड़खानी से कर सकती है जब सदस्यों की मंजूरी है, ठीक है। जब सभी सदस्य मंजूरी कर रहे हैं तब जाके राष्ट्रपति साइन करेंगे और इसमें से पैसे निकलेंगे। लेकिन अगर कभी कुछ भी आपातकालीन सिचुएशन आती है तो उसमें आपातकालीन निधि होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कंटिंजेंसी फंड, जो कि 267 में बताई गई है। इसमें जो है इसके पैसे तुरंत निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कहीं से युद्ध हो रहा है या कुछ और हो रहा है तो यहाँ से पैसे निकाल के तुरंत दे दिए जाते हैं, और इसमें वापस पैसे डालने के लिए कंसोलिडेटेड फंड से इसमें डाला जाता है, ठीक है। तो इसमें का पैसा यहीं से ही जाता है, लेकिन इसमें मंजूरी नहीं चाहिए होती, यहाँ मंजूरी चाहिए होती है, जहाँ से लोगों की क्या बन रही है, सैलरी बन रही है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, तृतीय अनुसूची। इसमें विभिन्न पदाधिकारी, बेसिकली देखो मोटी मोटी भाषा में बोलें तो यहाँ पे ओथ और अफर्मेशन की बात होती है। ये चीज कभी कभी आईएएस भी पूछ लेता है इन दोनों का डिफरेंस। ओथ में होता है आई बिलीव इन गॉड, आई डोंट बिलीव इन गॉड, यही बात होती है बस दोनों चीजों में। अब देखो तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। पूछ लेगा शपथ का उल्लेख कौन से अनुसूची में है, किसमें है, तृतीय में है, ओके। अगला चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने का विवरण दिया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या है। जैसे देखो यूनाइटेड स्टेट्स है जहाँ पे 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। हमारे वहाँ पे क्या होता है, पार्लियामेंट्री हाउस होता है, यूनाइटेड स्टेट्स में सेनेट होता है, ठीक। हर राज्य में चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, दो सेनेट होते हैं, ठीक है। हमारे वहाँ पे क्या है, हमारे वहाँ पे ऐसी सीट्स एलोकेटेड है। यहाँ पे राज्यसभा में कितनी सीट एलोकेट करनी है, क्या करना है, इसकी बात जो होती है ये किस में होती है, ये बेसिकली होती है फोर्थ शेड्यूल में, ठीक है। ये कहाँ होती है, फोर्थ शेड्यूल में, ठीक है। अच्छा ज़रा आप इसके साथ साथ लगे हाथ ये बताइएगा कि मैक्सिमम सीट्स कौन से राज्य के पास है, मैक्सिमम जो सीट्स हैं वो कौन से राज्य के पास में हैं, ठीक है। बेसिकली कह सकते हो कि राज्यसभा की सीट्स की जो एलोकेशन हो रही है वो हम लोग फोर्थ में पढ़ते हैं, ठीक। फिफ्थ और सिक्स्थ बहुत नहीं बनता इससे, लेकिन तब भी हम लोग जान जाएं कि फिफ्थ में जो है इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, ठीक है। इट मेंशंस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। पूछ लेगा कि एस सी एस टी का जो उल्लेख है वो कौन से शेड्यूल में है, वो है फिफ्थ शेड्यूल में, ठीक है। और कौन सी आर्टिकल में इनको इक्वल सभी लोगों को इक्वल ट्रीट करने को कहा गया है, ये भी बताइएगा। इसके तो अभी अभी एक सेशन भी हुआ था, मूवी आई थी, बहुत कुछ हुआ था। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, जो बाकी जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं आपकी और उसके बारे में बताया गया है। इसको याद करने का कौन कौन सी एरिया, कौन कौन सा स्टेट मेंशन है, कर सकते हैं हम लोग ATM, मनी। ए से क्या हो गया, असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, मनी से मिजोरम। इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि ये जो चार राज्य हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। पूछ लेगा छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य का, या इसमें से कौन सा राज्य है जिसके बारे में छठी अनुसूची में नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला देखो सातवीं अनुसूची, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। देखो अब क्या होता है, एक ही घर में अगर देवरानी जेठानी रहती हैं तो रहता है कि इस टाइम खाना हम बनाएंगे, इस टाइम खाना हम बनाएंगे, ये वाला हमारा है, ये वाला तुम्हारा है, तो ऐसा कोई झगड़ा ना हो, कहा जाता है ऐसा है कि ऊपर जाके तुम बनाओ और नीचे तुम बनाओ, सारा बवाल खत्म करो, ठीक है। लोगों को उनकी शक्तियों के बारे में बताना कि कौन सा क्षेत्र तुम्हारा है, कहां पर तुम्हारा निर्णय होगा, कहां किसकी बात होगी, केंद्र और राज्य जो कि हमारे वहां पर लॉ मेकिंग बॉडी होती है, उनके पावर्स के बारे में जो है सातवीं अनुसूची में बता दिया गया है। कहां कहां पे कितने विषय में संघ को काम करना है, कितने विषय में राज्य को काम करना है, और कहां कहां पर दोनों अपनी जो है अलग अलग लॉज लेकर आ सकती है, वो बताया गया है समवर्ती सूची में। संघ सूची में क्या है, संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान में लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, जो अब कितने हो चुके हैं, 98। ये याद रखना है कितने विषय होते हैं, कितने हैं, 98,
ठीक है। तो जो भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जो भी ऐसी जगह है जहाँ पे केंद्र को बनाना है अपने लॉज, वो कहाँ पर आता है? संघ सूची में आता है, जो कि सातवें अनुसूची में दिया हुआ है। फिर हमें जैसा दिख रहा है राज्य सूची, राज्य सूची, सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, जिसे वर्तमान में कितने रह गए हैं? 62 विषय। कितने विषय हैं ये जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। फिर देखिए समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट, इसमें देखो विषय हैं 52। ये ऐसा विषय होता है इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय सामने होते हैं पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, जो अब 52 हैं। कितने विषय हैं ये आपको जरूर याद होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अगर कभी भी ऐसा होता है कि किसी एक विषय पर दोनों ने अपने अपने कानून बनाए हैं, तो केंद्र सरकार वाला जो है इफेक्टिव होता है, राज्य वाला नहीं होता है। जैसे शिक्षा हो गया, सेहत हो गया, इस पे दोनों बना सकते हैं, लेकिन किसका चलेगा? चलेगा हमारे केंद्र का। ठीक, आठवीं अनुसूची हमें बहुत दिन से पता है, आठवीं अनुसूची ज्ञानपीठ अवार्ड हो गया, कुछ हो गया, तो लैंग्वेज की बात होती है। लैंग्वेज के बाद तुरंत एक नया क्वेश्चन बन जाता है कि आखिर ये जितनी भी भाषाएं हैं इनका उल्लेख कौन सी अनुसूची में हुआ है? इन सभी का उल्लेख हुआ है आठवीं अनुसूची में। शुरू में हमारे वहाँ पे कितनी भाषाओं का इसमें उल्लेख था? 14, जो कि बाद में बढ़ा कर दिया गया 8 और बढ़ा दिया गया और इसको बाद में किया 22। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1968 में इसमें सिंधी को और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2003 में मैथिली, संथली, डोगरी और बोडो को भी ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शुरू शुरू में इसमें 8 थे, फिर इसमें एक बढ़ा दिया गया सिंधी, और फिर जो है 21 साल के बाद इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली बढ़ाया गया। फिर से कुछ समय के बाद क्या कर दिया गया? इसमें 4 और भाषाओं को ऐड कर दिया गया, मैथिली, संथली, डोगरी, बोडो। ये आपसे पूछ सकता है कि ये कब ऐड किया गया, या ये वाली भाषाएं, या ये, ऐसे हो सकता आपसे पूछ ले क्वेश्चंस। ठीक है, फिर देखो नौवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची क्या थी? देखो नौवीं अनुसूची के बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि संविधान में यह अनुसूची प्रथम, ये पहली जो है संविधान में एडिशनल आई थी आपकी अनुसूची। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इन अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इसमें इस अनुसूची में 228 अधिनियम है। ठीक है, तो जो भी इस अनुसूची में लिख दिया गया था उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। जैसा लिखा हुआ है कि सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन 2007 में कुछ चेंजेस किए गए थे। चेंज क्या किया गया था कि कोई भी ऐसा विषय जो कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो या संविधान का कुछ उल्लंघन करता हो, उसका जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है, ऐसा बताया गया था 2007 में। इसको ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अब तक यह मान्यता थी कि नौवीं अनुसूची में सम्मिलित कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। तो याद रखिएगा, नौवीं जो है वो पहली अनुसूची ऐड की गई थी जिसमें बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन फिर 2007 में कहा गया अगर वो मौलिक अधिकार का या फिर संविधान का कुछ उल्लंघन करता है तो उसकी रिव्यू की जा सकती है। ठीक है, अगला देखते हैं 10th, जो हमने पहले पढ़ रखा है, दल बदल। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसके बारे में हमने पढ़ा था, यह संविधान में
संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। बताया था मैंने आपको, जब मैं आपको अमेंडमेंट संशोधन पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि दो पार्टी अगर एक दूसरे की मेजोरिटी से बन रहा है तो वो अपनी दल बदल कर उधर नहीं जा सकती है। इसका जो उल्लेख है ये आपकी 10वीं अनुसूची में किया गया है। पूछता है एग्जाम में एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल लॉ कौन सी अनुसूची में लिखा गया है, किसमें लिखा गया है, 10वीं अनुसूची में लिखा गया है, ठीक है, कौन से संशोधन में, 52वें, कभी 1985, ठीक, ये चीज याद रखिएगा। फिर देखिए 11वीं अनुसूची, 11-12 बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं में पंचायती है, 12वीं में म्यूनिसिपैलिटी है। पंचायती जो है, देखो यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं, यानी कि पंचायती राज जो कि विलेज लेवल पे बेसिकली डेवलपमेंट करता है उसको 29 सब्जेक्ट 29 विषय दिए गए हैं जिसपे वो अपने कार्य कर सकता है, ठीक है। पंचायती राज बेसिकली 3 भाग में होता है, लेकिन वेस्ट बंगाल वगैरह बाकी जगह पे कई जगह 4 भी है, वो भी बना दिया गया है कहा जा सकता है। अच्छा, एक बार मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया भी था कि जो पंचायती राज होता है, ठीक है, पंचायती राज की शुरुआत जो है पहली बार अडॉप्ट किया गया था राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, ये मैंने आपसे बात बता रखी है, अगर आप लोगों को थोड़ा याद हो तो। हो सकता है आपसे पूछ ले कि कब पहले कहाँ पर पहली बार किया गया था नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, ठीक। पंचायती राज दिवस कब होता है, 24 अप्रैल, ये और याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, ये 24 अप्रैल ये या कुछ और है, एक बार देखिएगा। चलिए 12वीं अनुसूची, ये म्यूनिसिपैलिटी के बारे में आपको बेसिकली बताता है। ये अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं, ठीक है। कितने विषय हैं, 18, उसमें कितने हमने देखे, इसमें हमने देखे 29, यहाँ पर है 18। तो ये हमारी सारी अनुसूची थी। अच्छा, हमने एक जगह पे एक ट्रिक पढ़ी थी, ट्रिक बड़ी अच्छी लगी थी हमें इन्हें याद करने की। अंग्रेजी में ट्रिक थी, हो सकता है आपको थोड़ी शिकायत हो, लेकिन फिर भी सुन लो, सुनने में क्या जाता है, ट्रिक अच्छी है बहुत। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पुराने प्रधानमंत्री के आंसू, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी से हमने पहले अनुसूची में किसके बारे में पढ़ा है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो टी से हो गया टेरिटरीज, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, दूसरे में सैलरी और अलाउंस और इमोल्यूमेंट है, तो दूसरे में हो गया इमोल्यूमेंट्स। फिर हमने क्या पढ़ा, तीसरी में ओथ और अफर्मेशन है, तो ए से हो गया अफर्मेशन। फिर आर से क्या बताया था, राज्यसभा की सीट की एलोकेशन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर एस, राज्यसभा। एस से क्या आपको बताया गया था, यहाँ पे क्या था, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब का उल्लेख किया गया था, तो एस सी एस टी हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं। ओ से यहाँ पे एटीएम मनी वाला याद करिएगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं अदर, चाहो तो शेड्यूल लिख लो या चाहो तो एरिया लिख लो, ठीक। एफ से, ठीक है, हमने इतना पढ़ा था। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा था, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो इसको हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर, चाहो तो चाहो लिख लो, ठीक है। क्या लिखोगे, फेडरल स्ट्रक्चर, जहाँ पे बहुत सारी स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा था कि किसको कितना कैसे देना है। फिनेंस चाहो तो लिख सकते हो, वो भी आप लोगों को अगर पसंद हो तो। फिनेंस नहीं लिखना सही होगा, स्ट्रक्चर यही सही रहेगा, फेडरल स्ट्रक्चर इसे लिख लेना। ओ से अगला क्या था, इससे था ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसकी अभी हमने इतनी देर तक बात करी। ये क्या था, इसको कह सकते हो लैंड रिफॉर्म, ठीक है, जो नया रिफॉर्म हुआ था, ओके। डी से क्या कहोगे, डी से डिफेक्शन लॉ था, ये याद रखिएगा। पी से क्या था, पंचायती, और एम से क्या था, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। अब देखो, हो सकता है कुछ लोग कहोगे मैम इंग्लिश हिंदी, ठीक है, मैंने भी देखी है और मुझे ये ट्रिक अच्छी लगी तो मैंने आपसे शेयर कर ली। इंग्लिश हिंदी वाली बात आपको बस दो जगह परेशान करेगी, एक फेडरल स्ट्रक्चर में परेशान कर सकती है,
डिफेक्शन आपको पता हो गया होगा, बहुत दिन से हम लोग बात कर रहे हैं, हो सकता है अफर्मेशन में करें। बाकी अगर आप लोग इसको दो चार बार पढ़ लो, दोहरा लो, लिख लो, तो ये भी आसान बन जाएगा। मुझे नहीं लगता है बहुत कठिन है, बहुत ही आसान है ये ट्रिक। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग आज के डे ऑफ द डे और डेजर्ट ऑफ द डे पे। डे ऑफ द डे जैसा है कि 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, लोगों के मन में शांति और अहिंसा का भाव जगाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन के याद करके हम लोग अपने अंदर जगा सकें कि हमें कैसे एक शांतिपूर्ण देश में रहना है। बहुत ज़्यादा अनसेफ हो रहा है। भारत की जो है केवल दो ही शहर थे जो कि सेफेस्ट में थे, दिल्ली और मुंबई, बाकी सारे जो है आपके अनसेफ थे। बस यही दो जो है सेफ हैं। भारत बहुत ही अनसेफ बनता जा रहा है, सारे देश, जैसे सूडान में इतनी दिक्कतें चल रही हैं। इन सभी को सही करने के लिए, लोगों के मन में अहिंसा का भाव जगाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अगला हमें क्या दिख रहा है? अगला दिख रहा है वर्ल्ड अल्जाइमर डे। अल्जाइमर एक तरीके की बीमारी होती है, भूल जाना चीज़ों को। इनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, इस बीमारी के लिए जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है वर्ल्ड अल्जाइमर डे से। ठीक, फिर देखिए आज की मिठाई में हमारे पास क्या है कि 1968 में पांचवें वित्त आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसका गठन हुआ था, शुरू नहीं हुआ था। जैसा आपको पहले भी बताया जा चुका है कि पंचवर्षीय योजना की तो पूरी बात हो चुकी है। पहला वाला था 51 से 56, फिर 56 से 61, फिर 61 से 66। इसके बाद तीन के बाद तीन का गैप लिया गया था। फिर क्या हुआ था? फिर शुरू हुआ था 69 से 74। ठीक है, और इसी में ही फिर अगले वाला जो है उसका गठन भी हुआ था। वही आपके सामने लिखा हुआ है कि गठन तो पहले ही होता था ना कि किसके बारे में हमें क्या क्या करना है। ठीक, तो अगला जो है, लेकिन हमारा जो पांचवा चला था वो केवल 4 ही साल कायदे से चल पाया था। फिर सरकार गिर जाने की वजह से दिक्कतें आई थी और 2 साल के लिए रोलिंग प्लान आ गया था। खैर, ये सारी बातें हम लोगों ने कर रखी हैं। तो देखो, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था, आप लोग ये बताओगे। ठीक है, और पंचायती राज दिवस कब होता है? ओके, आप सभी लोग आंसर करोगे। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मिलेंगे अपने अगले सेशन में। कल होगा आपका टेस्ट, क्या क्या पढ़ा है पूरे हफ्ते। अगर आपको ये याद है, आपको जानना है, खुद को टेस्ट करना है कि जो पढ़ रहा है कहीं भूल तो नहीं रहा है, सब मुझे याद रह रहा है, तो अच्छे से रिविजन करके आना और कल एक टेस्ट देना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।